तो ये दोस्तों पूरा चाय सुट्टा वार है, यहाँ पर भी CSB लिखा है। नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और माँ के मन में एक छोटा सा सोना। बहुत बढ़िया कॉल, बहुत कमीना है यार, मान जा भाई, मान जा मेरे दोस्त, मान जा। वनीला है, वनीला 3 लगा दो फिर, ठीक है प्यारी भाभी, हम 200 रुपए पे। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। की हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होगा। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए एक और नए ब्लॉग के साथ, और अभी हमें इस समय सिलेक्शन पॉइंट यानी कि सील चौराहे पर, जो कि जनकपुरी में लगता है, और मेरे साथ जावेद भाई और आसिफ भाई हैं दोस्तों। हम तो नहीं है, हम नहीं है। अच्छा, तो आज हम यहाँ बैठे हैं आराम से, पहले सुकून से आकर हम लोग यहाँ बैठ गए, उसके बाद हमने प्लान बनाया कि आज हम जा रहे हैं चाय सुट्टा वार, जो कि राजेंद्र नगर में है, KK हॉस्पिटल के बराबर में, तो गली के पास में रोड पे ही है। तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, बढ़िया से एंजॉय करेंगे अच्छे से, और यहाँ का नज़ारा भी आप लोगों को देखो कितना बढ़िया है। ये सील चौराहा हर समय रोशन रहता है बहुत अच्छे से, यहाँ कपड़े वगैरह मिलते हैं बहुत सारे। B4 वाला हुकुम का साला, पुष्पा झुकेगा नहीं, चोर गुंडा बदमाश कहीं मिलेगा नहीं, अंडरग्राउंड हो जाएगा। अच्छा, और हमारे नागरिक जो भी भारत के रहने वाले हैं बहुत आगे जाएंगे, और चोर गुंडा बदमाश कोई मिलेगा नहीं, चोरों की एंट्री या तो ऊपर या तो जमीन के अंदर, बहुत बढ़िया, जेल में भी नहीं भेजेंगे, अच्छा काम होगा। सही, कहाँ से आ रहे हो? कौन है वो, ये कहाँ से आया? बहुत बढ़िया, टैलेंट है यार। अब भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मेरे नागरिक जितने भी भारत के रहने वाले, सबसे ये गुजारिश है मेरी, आगे जाना आगे। हाँ, कहाँ जाओगे? अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या, अरे अयोध्या मंदिर जाओगे? जी, जी, जी। हाँ बिल्कुल जाना, जाओगे बिल्कुल पहुँचोगे। मैं राम का पुजारी, ये मुझे प्यार चाहिए, नहीं चाहिए धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, और माँ के मन में एक छोटा सा। बहुत बढ़िया, क्या कह दिया, दिल खुश कर दिया। तो अभी ये भाई मिल गए, यहाँ आए थे, और देख रहे हो कितनी बढ़िया बातें बोल गए। तो यहाँ पर दोस्तों एक स्टैंड बना हुआ है जो कि बैठने का, बस का, अच्छा बस का इंतजार कर रहे हो। तो यहाँ पर बैठे हैं दोस्तों हम लोग, और बैठ गए थे इंजॉय करने के लिए कि यहाँ पर बैठते छोड़कर यहाँ बैठते। और अभी हमारे इमरान भाई जो कि यहाँ घूम रहे थे अपनी वाइफ को लेके, और कोई नहीं यार, तो अभी भाई हैं हमारे साथ, और आसिफ भाई कैमरा पकड़े हैं और बना रहे हैं वीडियो, और यहाँ घूमने का रोज शाम को ना घूमते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है यार। अभी हम लोग सिर्फ 3 लोग हैं, मैं हूँ, आसिफ भाई और जावेद भाई हैं, और हम लोग आ गए, और अभी आसिफ भाई भी नहीं आया, और इमरान भाई तो थोड़ा बिजी है, कोई बात नहीं यार, भाई चलता है यार, तो रहता है। तो दोस्तों हम फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, और चलेंगे चाय सुट्टा वार पे, और यहाँ पर आसिफ भाई गाड़ी निकाल रहे हैं, और अभी हम लोग रेडी हैं जाने के लिए, और अब चलते हैं हम यहाँ से, और ले जा भाग जा, हम रह जाएंगे यहीं, कोई बात नहीं है, नहीं अरे यार मकारी काट यार, मैं बैठूँ नहीं। बहुत कमीना है यार, मान जा भाई, मान जा मेरे दोस्त, मान जा, चल ठीक है। देख रहे हो कैसी नौटंकी काट रहा है ये, कभी कभी बहुत ज़्यादा ना बैठे रहा या खाना ना खा के जाना भाई यहाँ पर। तो ये दोस्तों सील चौराया है, यहाँ पर देखो मूर्ति बनाई हुई है, छत्रपति शिवाजी चौक है यहाँ पर, और हम चल रहे हैं यहाँ से दोस्तों, मज़ा आ रहा, और आप लोगों को दिखा दूँ यहाँ की मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है, मतलब लोग आते हैं खाते पीते इंजॉय करते हैं अच्छे से, और देख रहे हो आप लोग यहाँ पर सभी लोग आते हैं, और ये भी बाज़ार है दोस्तों, और यहाँ पर गोलगप्पे चाउमीन सभी मिलता है, और लोग बहुत सारे आते हैं अपनी फैमिली के साथ आते हैं, अपने दोस्तों के साथ आते हैं, अपनी ZF के साथ आते हैं, और अपने अच्छे से एंजॉय करके यहाँ खा पी कर जाते हैं दोस्त सब लोग। और आप देख रहे हो लिट्टी चौका, और ये है लिट्टी चौका, आसिफ भाई के दोस्त का है लिट्टी चौका, पर यहाँ आएंगे कुछ दिनों बाद। राजस्थान वाले क्या रुका, गोलगप्पे खाए? राजस्थान वाले क्या, जयपुर चल रहा है, जयपुर। अरे भैया यार, भैया तो अभी भाई भी कार से चल रहे हैं, तो हाय ब्रो बोल रहे हैं आप लोगों, सब लोगों को क्या इसमें खाएंगे, फिर किसी दिन खाएंगे, अभी चलते हैं चाय सुट्टा बार में, चाय पियेंगे अच्छे से। तो जो भी जहाँ मिलता है ना दोस्तों, अगर कैमरा देखता है तो ज़रूर बोलता ज़रूर है कुछ ना कुछ, तुम्हें पता है भाई ब्लॉगिंग कर रहा है यार, और कुछ नहीं, तो अच्छा लगता है मुझे अगर लोग बोलते हैं और मिलते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और अब तो कुछ लोग जैसे कहीं भी मिलते हैं तो भाई बोलते हैं यार भाई ब्लॉगिंग कर रहे हो,
बहुत अच्छा लगता है मुझे भी, पूछते हैं लोग जब लोग साथ में होते हैं ना हम लोग दोस्त वगैरह, तो बहुत ही अच्छा लगता है मुझे और ही अच्छा लगता है ना घूमते हुए साथ में होते हैं ना। और इन लोगों का भाई बहुत सपोर्ट रहा है मेरे साथ और एक ब्लॉग नहीं यार झूठ बोले, मजाक कर रहे हैं दोस्तों और भैया मजाक कर रहे हैं, हम लोगों की मोहब्बत है ये। हाँ ब्लॉग बना 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 हम साथ में ही रहते हैं। तो अभी दोस्तों हम लोग आ गए हैं चाय सुट्टा बार पे और ये है चाय सुट्टा बार द कुल्लड़। तो अभी हम लोग आ गए हैं दोस्तों और इसकी एक ब्रांच रामपुर गार्डन में है और वो भी चाय सुट्टा बार की है। तो अभी हम लोग चलते हैं, गाड़ी खड़ी कर रहा है भाई यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग हम अंदर चलते हैं यहाँ पर और यहाँ की डेकोरेशन दिखाता हूँ। और दोस्तों यहाँ पर देखो आई लव CSB यानी कि चाय सुट्टा बार UP 25 नो स्मोकिंग। चलते हैं अंदर के लिए और ये है चाय सुट्टा बार और यहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हो दोस्तों कितनी बढ़िया की हुई है। और तो ये दोस्तों पूरा चाय सुट्टा बार है, यहाँ पर भी CSB लिखा है, नो स्मोकिंग, सेल्फ सर्विस है, खुद लोग खुद करें। और यहाँ पर देखो ये डिज़ाइन बनाया है, यहाँ पर देखो लाइट कितनी बढ़िया की हुई है दोस्तों। और ऊपर देखो ये छाते बना दिए हैं यहाँ पर लगाए हुए हैं दोस्तों। और यहाँ पर कॉफ़ी और चाय का भी इंतज़ाम है दोनों चीज़ों का। और ये और भाई लोग बैठ गए हैं दोनों लोग यहाँ पर अभी। तो अभी दोस्तों बैठ गए हैं जावेद भाई भी और हम दोनों लोग बैठ गए हैं यहाँ पर। क्या चीज़ लेने आएगा। और यहाँ पर मेन्यू दिखा दूँ आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पर देख लो चॉकलेट है 20 रुपीज़ की और 40 रुपये की लाउज है मतलब बड़ी, और अदरक की चाय है 25 रुपये, 50 रुपये की है, रोज़ की है, इलायची की है, पान की है, केसर की है, मसाला की है, बहुत सारी लेमन तुलसी और पुदीना है 30 रुपये, 30 रुपये, 25 है, बहुत सारी ऐसी चाय हैं। और भी है प्लेन कोल्ड कॉफ़ी भी है 90 की है, और चोको कोल्ड कॉफ़ी है 100 की है, स्ट्रॉन्ग कोल्ड कॉफ़ी है 100 रुपीज़ की है, तो मतलब हर एक चीज़ की है। वनीला शेक है 80 रुपये और स्ट्रॉबेरी शेक है 100 रुपये। तो हर एक चीज़ का एक रेट अलग है दोस्तों यहाँ पर। और ये बर्गर पिज़्ज़ा भी मिलता है, यहाँ पास्ता भी मिलता है, वाइट्स भी मिलता है और सारे आइटम भी मिलते हैं यहाँ पर खाने के लिए। आप दोस्तों आराम से अच्छे से रह सकते हो। और यहाँ लिखा है बढ़िया बेहतरीन। भाई बताएंगे, भाई बताओ कौन सी वाली चाय पियोगे, कौन सी वाली चाय पियोगे। मतलब चाय सुट्टा बार में पंडित जी की चाय भी होगी तो क्या। भाई केसर चाय 3 कर दो। हाँ है केसर नहीं है। और तो कोई स्पेशल चाय ऐसी कुछ और, चॉकलेट बट वो थोड़ी सी एक मारेगी और मज़ा नहीं आएगा। नहीं वो बेस्ट बेस्ट है। अच्छा चलो ठीक है, तो भाई पहले डिसाइड कर लेते हैं। केसर चाय नहीं है दोस्त, फिर कौन सा। वो कह रहे हैं चॉकलेट ले लो, चॉकलेट भी अच्छी है। मुझे अच्छी नहीं लगती। हाँ वो तो मैं कह रहा हूँ चॉकलेट के लिए, चाय के लिए कह रहे हैं वो, चॉकलेट कह रहे हैं ना, चॉकलेट ले लो, केसर है नहीं। या फिर इलायची। मसाला कैसी है। मसाला भी है, तुलसी भी है, पुदीना अदरक है, वनीला भी है, बहुत सारी चाय है ऐसी। वनीला लगवाओ है, वनीला फ्लेवर अच्छा रहता है और बढ़िया लगता है। चलो तो वनीला भी लगवाते हैं दोस्तों, वनीला बोलते हैं भाई। स्ट्रॉबेरी है मेरे दोस्त, वनीला लगा दो। वनीला है, वनीला 3 लगा दो फिर ठीक है। तो अभी वनीला चाय बोल दिए दोस्तों हम लोगों ने और वनीला पियेंगे क्योंकि केसर वाली चाय मिली नहीं, क्योंकि हमने UPSC वाले के यहाँ पी थी तो बहुत अच्छा लगा था, केसर इलायची वाली चाय थी और बहुत अच्छी थी। तो अभी डिसाइड कर लिया हम लोगों ने मारमती भाई, चाय का ऑर्डर दे दिया, आती है देखते हैं कितनी देर में आएगी ना। इस पे मत मारना भाई के यार, वैसी बहुत परेशानी में जेल के रुका है यार, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं यार अल्लाह नहीं करे ऐसा हो यार। तो अभी दोस्तों चाय आ गई, जावेद भाई लेकर आए क्योंकि यहाँ सेल्फ सर्विस है और भाई भी एक चाय ले आया क्योंकि वो 3 नहीं ला पाते, फिर भी भाई का हाथ फ्रैक्चर है तब भी ले आए दोस्तों। और ये देख रहे हो बैठा है, गया है नहीं उठकर, फ़ोन चलाने में मस्त बहुत रहता है। तो दोस्तों देखो ये चाय आ गई है, वनीला चाय है, देखते हैं पीकर दोस्तों कैसा टेस्ट है वनीला का। मैं भी फर्स्ट टाइम पीऊँगा, सादा चाय बहुत सारे पी चुके हैं यार हम लोग, और भाई बताएगा कि कैसा टेस्ट है इसका। है नहीं बताऊँगा पीकर बताओगे तो पी के होगा। वैसे वनीला के केक पेस्ट्री वगैरह वो कहीं तो उसका अच्छा फ्लेवर है, इसलिए मैंने वनीला ऑर्डर किया। चलो क्योंकि चॉकलेट तो दोस्तों अभी हम लोग पीकर देखते हैं कैसी है इसकी चाय। ओए पीके पीके
टेस्ट वही है वनीला वाला भाई, आइसक्रीम खाते हैं उस टाइप का है है नहीं, पूछ लो पाउडर डालते हैं आइसक्रीम डाल दो। तो टेस्ट अच्छा लग रहा है दोस्तों, मज़ा आ रहा मतलब पीते हुए। तो अभी हम लोग पी लेते हैं पहले चाय। भाई का मैंने थोड़ा सा हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया, तो कह रहे हैं कि तुमने सारा डेटा पी लिया। पहले मैंने 100 ग्राम डेटा पिया हो, 100 ग्राम खा गए, 750 ग्राम डाटा भी अब तुलने लगा क्या? मुझे पहली बार पता चला कि भाई 100 ग्राम और 750 ग्राम डाटा डाउनलोड करा। अच्छा, दो और ऐप डाउनलोड करे गोरे होने वाले। फिर भी मैं अभी तक गोरा नहीं हुआ हूँ। मुझे गूगल से रिक्वेस्ट है कि मुझे गोरा करने का कोई सॉफ्टवेयर पहुँचा है जिससे मैं गोरा हो सकूँ। सही कह रहे हो। नहीं भाई वैसे ही स्मार्ट लगता है यार थोड़ी। हाँ और चाय पी बहुत ज्यादा जल्दी थी यार। बंद और मंगा ले। बंद है नहीं ना? डबल रोटी की सलानी में थोड़ी है भाई। चाय बंद वाली बात चल रहा है चाय पीने के लिए। वैसे अच्छा चाय सच में एक स्वादिष्ट थी, मतलब अच्छा लग रहा पीते हुए और मज़ा आ रहा चाय पीते हुए यार, बहुत अच्छा। भाई कैसा लगा? अच्छा चाय बताओ कैसा? अच्छा है, बहुत बढ़िया टेस्ट है भाई। नीचे की उतरी मुझे चॉकलेट का इतना प्यारा नहीं लगता जितना प्यारा वनीला लगता है। ओफो भाई चॉकलेट। सही है, देख रहे हो भाई कहाँ जा रहा है ये। तो भाई लोगों हम लोगों ने चाय वगैरह पी ली और फोटो शूट भी कर ली बहुत अच्छे से। तो हम लोग चलते हैं बाहर, कर दिए मेरे भाई। और ये था पूरा, चलते हैं बाहर के लिए दोस्तों। और आ गए हैं हम बाहर। अंदर थोड़ी गर्मी लग रही थी, बाहर थोड़ा सुकून मिला है, हवा चल रही है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। और ये दोस्तों राजेंद्र नगर में लगता है चाय सुट्टा बार। और अभी हम लोगों ने चाय पी, बहुत ज़्यादा टेस्टी मतलब बहुत अच्छी लगी वनीला चाय। और अभी भाई ने स्टार्ट की, कोई दिक्कत नहीं हम सवारी से आ जाएंगे मेरे भाई। क्यों जाने में कोई देर थोड़ी लगेगी, कोई दूर थोड़ी है बेटा। ये तो है। तो बहुत अच्छा लगा। और चचा की साइकिल दिखाऊं मैं आप लोगों को यार, चचा ने साइकिल देखो क्या बनाई है यार दोस्तों, देख रहे हो झालर वगैरह सफाई अभी भी कर रहे हैं। गाड़ी से प्यार होता है, हाँ। चचा को अपनी साइकिल से प्यार है। चचा को अपनी साइकिल से प्यार है। और साइकिल चलाने से क्या स्वास्थ्य ठीक रहता है, फिट रहते हैं हम लोग। कार वगैरह चलाते हुए हर किसी का अपना अपना शौक है। और भाई चचा ने साइकिल बहुत बढ़िया बना रखी है और अभी भी सफा कर रहे हैं बहुत अच्छे से। तो भाई देखो रेडी है, तो अब चलते हैं हम दोस्तों यहाँ से। तो फिलहाल दोस्तों अब हम लोगों ने ये चाय सुट्टा बार पर चाय पिया, बहुत अच्छी लगी। और आप लोग भी आइए दोस्तों यहाँ पर चाय सुट्टा बार पर। तो फिलहाल चलते हैं हम दोस्तों यहाँ से, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। बाय बाय, लव यू ऑल।